शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरस्वती, ये मेरी माँ है। ये तेरी बहू है माँ। माँ माँ, वो हालात ही कुछ ऐसे थे, हमें शादी करनी पड़ी। अपनी माँ से आशीर्वाद नहीं लेगा? माँ जीते रहो। माँ तू इस शादी से खुश है ना? अपने बेटे का घर बस जाए और माँ खुश ना हो, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। सच माँ? देखा सुरू, मेरी माँ कितनी अच्छी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो हमसे नाराज नहीं होगी। बस माँ तू खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहना, हम बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गया, हमारे सपनों पर पानी फिर गया। और जिस तरह से तुम उस लड़की का बखान कर रही हो, उससे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द बोरिया बिस्तरा बांधकर हरिद्वार चला जाना पड़ेगा। कुछ करो बहना, कुछ करो। अरे बहना कुछ बोले भी नहीं चली गई। महाभारत के 33वें एपिसोड में शकुनी भी इसी तरह मुस्कुरा कर चला गया था, लेकिन 34वें एपिसोड में द्रौपदी का चीधारण हो गया था। घबराओ मत मैनावती, बहना इस तरह से जरूर कोई अच्छा गुल खिलाएगी। वाकई चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। मुझे अपने राजू की पसंद पर नाज है। अगर मैं चाहती थी तो इतनी सुंदर और सुशील बहू अपने बेटे के लिए नहीं ला सकती थी। बैठो बहू। ये लो बहू, ये कंगन मैंने राजू की बहू के लिए बनवाए थे। लाओ, तुम्हें अपने हाथों से पहना दूं। क्या बात है माँ जी, आपकी आंखों में आंसू। कभी कभी भगवान खुशियों के साथ हम भी दे देता है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैं तुझे कैसे समझाऊं, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ उसका ताल्लुक राजू की जिंदगी और मौत से है। ये आप क्या कह रही हैं? एक बात जो मैंने अपने सीने में दफन करके रखी थी, आज मजबूरन तुमसे कहनी पड़ रही है। ये देखो, ये राजू की कुंडली है, जानती हो इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें साफ लिखा है कि अगर 25 साल की उम्र के पहले राजू शादी कर ले और उसकी पत्नी गर्भवती हो जाए तो होने वाली संतान अपने पिता की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए तो मैंने आज तक राजू की शादी नहीं कराई, क्योंकि उसके 25 साल पूरे होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। माँ जी आप भी ऐसी बात। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी कि ऐसी दकियानुसी बातों में तुम विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूं। मैं एक माँ हूं ना, और माँ होने के नाते मैं अपने राजू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए बहू, ऐसा अनर्थ मत होने देना, मत होने देना। बस बहू, कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरा कहा मान लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। देखो बहू, मेरे राजू को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए। प्यार ने मेरी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। हम अपनी जिंदगी की पहली रात
इन रोशन सितारों में शुरू करेंगे, जिससे तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अंधेरे के लिए मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी सुनो, कोई जगह नहीं। तुम्हारा राजू ना नहीं सुनेगा, मेरे पास आ जाओ। मैं ना कह रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। ये तुम क्या कह रही हो सुरु? कोई भूल हो गई मुझसे, कोई गलती हो गई मुझसे, बताओ ना सुरु। राजू मुझे अकेला छोड़ दो बस। तुम्हें अकेला छोड़ दो, वो भी आज की रात? आखिर क्यों सुरु? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। नहीं सुरु, तुम्हें इस कमरे से जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है सुरु, किस बात की सजा दे रही हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अपने पति होने का हक जताने मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा सुरु। वाह बेला वाह, तुम्हारे आगे तो तोता राम भी सर झुकाता है। क्या राजनीति खेली है, तुम किसी नेता से कम नहीं बहना, तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में। राजू की मौत का झूठा डर निकाल कर तुमने उसे ऐसा फांसा है कि तुम्हारे कहने में आकर वो खुद ही अपनी सुहाग की सेज में आग लगा बैठी। अब इस आग में घी डालती जाओ बहना, और ऐसा चक्कर चलाओ कि चार दिन के अंदर ये लड़की घर छोड़कर भाग जाए। अपना काम तो हो गया, अब चलो चलकर चैन की नींद सोते हैं। क्या सास हो तुम, अभी तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में जितना भी घी है आग में डालते जाना। मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने पाप की बेटी नहीं।